जय श्री राम। मैं आचार्य राज मिश्रा और आज आपके लिए एक विशेष टॉपिक लेकर के आया हूं। हम सभी के जीवन में दिक्कतें उत्पन्न होती हैं, कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि हमें जीवन में रास्ता नजर नहीं आता है, हमें जीवन में मार्ग नजर नहीं आता है। विपत्ति जीवन में कम से कम आए, उसके लिए सबसे पहले क्या आवश्यकता है? उसके लिए आवश्यकता है पारिवारिक एकता। दो प्रसंग हैं बहुत सुंदर, एक तो श्री रामचरितमानस में आता है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जहां सुमत तहां संपत्ति नाना और जहां कुमत तहां विपत्ति निदाना। जहां पर एकता है उस जगह पर विपत्तियां बहुत कम आती हैं, और आती हैं तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन जहां पर एकता नहीं है वहां पर समस्याएं बहुत आती हैं और छोटी समस्याएं बड़ा बड़ा प्रारूप धारण कर लेती हैं। दूसरी चीज, अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बहुत सुंदर कविता कहा था कि बाधाएं आती हैं आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा ये कविता सुनकर के कि अगर हमारी एकता हो तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में बड़ी से बड़ी विपत्ति को आसानी से दूर कर सकते हैं, और अगर हमारे अंदर एकता ना हो तो शायद छोटी से छोटी समस्या बड़े प्रारूप धारण कर लेती है। अगर बंदर भालुओं का साथ नहीं मिला होता तो शायद हनुमान जी के लिए भगवान राम के लिए समुद्र पर पुल बनाना आसान नहीं होता। इसलिए एकता बहुत महत्वपूर्ण है। अब कई बार ऐसी कठिन परिस्थिति आती है, घोर विपत्ति आती है, मार्ग नजर नहीं आता कि मैं जाऊं किधर, उस टाइम पर क्या चीज ऐसी जो हमारा साथ दे सकती है। उस टाइम पर सिर्फ एक चीज हमारा साथ दे सकती है। मैं आपको पहले क्या चीज वो है जो साथ दे सकती है, उससे पहले मैं एक आपको कहानी बताना चाहता हूं। आप लोगों को पता है हनुमान जी लंका जा रहे हैं, सबसे घोर विपत्ति हमारे जीवन में क्या हो सकती है? मृत्यु। हमारे सामने मृत्यु खड़ी हो, इससे बड़ी विपत्ति और क्या हो सकती है? बाकी चीजें तो आती रहेंगी जाती रहेंगी। बिजनेस में लॉस तो होगा तो दोबारा बिजनेस तैयार हो जाएगा, हमें पता है, एक बार लॉस हुआ है मेहनत करेंगे दोबारा हो जाएगा। नौकरी गई है दोबारा ठीक कर लेंगे। समस्याएं, ये सब छोटी छोटी समस्याएं हैं, लेकिन मृत्यु एक घोर विपत्ति के सामने मृत्यु खड़ी है, इससे बड़ी विपत्ति और शायद कुछ नहीं हो सकती है। ऐसी परिस्थिति एक बार हनुमान जी के साथ होती है। हनुमान जी लंका के लिए प्रस्थान करते हैं, वहां पर सुरसा जो सर्पों की माता है उनको देवताओं ने भेजा कि जाओ इनके बल का आभास करो, इनका बल कितना है इस चीज को पहचानो। सुरसा आती है और कहती आज सुरण मोहिदीन आहारा, मुझे देवताओं ने आहार दिया और मैं आपको खा जाऊंगी। आप सोचिए हनुमान जी के सामने मृत्यु खड़ी है, सर्प की माता खड़ी है जो कहती है कि मैं आज आपको खा जाऊंगी। अब अगर यहां पर हनुमान जी कुछ नहीं बोलते तो उनको खा जाती, हनुमान जी घबरा जाते तो उनको खा जाती, लेकिन हनुमान जी ने एकाग्रता का परिचय दिया, संयम का परिचय दिया, और हनुमान जी ने कहा कि हे माता मैं राम के कार्य को करके आता हूं, राम काज करे फिर मैं आऊं, सीता का सुध प्रभु सुनाऊं, तब लग बदन पैठी हो जाई, सत्य कहा हूं मुझे जान दे माई, मैं कार्य करके आऊंगा उसके बाद आप मुझे ग्रहण कर लेना, मैं निश्चित रूप से आपके मुख में प्रवेश कर जाऊंगा। लेकिन विपत्तियां मानती नहीं है, सुरसा मानती नहीं है, कहती है नहीं तुम मुझे झूठ बोल रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम नहीं आओगे, मौत सामने खड़ी कह रही है कि आज मैं आपको ग्रसित कर लूंगी। लेकिन हनुमान जी एकाग्रता नहीं छोड़ते हैं, संयम नहीं छोड़ते हैं, विपत्ति जितनी बड़ी है उससे बड़ा अपने आप को बना लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जस जस सुरसा वदन बढ़ावा और तास दून कपि रूप दिखावा, समस्या जितनी बड़ी है अपने आप को उससे बड़ी करते चले जाते हैं। और यह सच्चाई है कि समस्या आपसे बड़ी नहीं हो सकती है। जीवन में कठिन समय आता है, जीवन में दिक्कतें आती है, जीवन में बहुत मुश्किल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, लेकिन अगर आपकी सोच से बड़ी की बात करूं तो शायद उसकी संभावना नहीं है। मनुष्य की सोच से बड़ी इस संसार में कोई समस्या नहीं है। मनुष्य का जो सोच है वो इतना विस्तारीकरण सब कुछ इस संसार में मनुष्य ने ही तो तैयार किया है। तो अगर हम उस टाइम पर एकाग्रता रखें तो शायद बड़ी से बड़ी समस्या बहुत आसानी से दूर हो सकती है। हनुमान जी बहुत सुरसा को समझाते हैं, वो अपना मुख बड़ा करती है, हनुमान जी अपने आप उसको उससे दुगना कर लेते हैं, उसके मुख से दुगना कर लेते हैं।
सुरसा को लगता है मैं कितनी बड़ी विपत्ति दे सकती हूं, यह व्यक्ति तो मुझसे बड़ा होता जा रहा है। यानी समस्या आती जाए अपने आप को बड़ा करते जाओ, अपनी मेहनत बढ़ाते जाओ, अपनी एकाग्रता बढ़ाते जाओ, अपने संयम को बढ़ाते जाओ। यदि आपकी एकाग्रता बढ़ती गई, आपका संयम बढ़ता गया, आप अपने आप को बढ़ाते गए, तो ऐसी परिस्थिति में समस्याएं बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। हनुमान जी ने यही किया। जब हनुमान जी ने देखा कि सुरसा ने अपना मुख बहुत बड़ा कर लिया है, हनुमान जी ने संयम का परिचय दिया, छोटा सा रूप धारण किया, उसके मुख में प्रवेश किया और वापस आ गए और कहा, लो माता, जो तुम्हारा विचार था मैंने उसको पूरा किया, अब मैं जा सकता हूं। और सुरसा कहती है जाओ, और आशीर्वाद देती है। इसी प्रकार जो कठिन परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, कठिन परिस्थितियां जब हमारे जीवन में हमें कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा हो, तो हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए आती हैं। अगर उस टाइम पर हमने संयम रखा, उस टाइम पर हमने एकाग्रता रखी, तो ऐसी कंडीशन में हम सफलता निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे, हमें कोई सफलता प्राप्त करने से रोक नहीं पाएगा। लेकिन यदि हम उस टाइम पर, जो हम लोगों के साथ अधिकतम होता है कि हम लोग उस टाइम पर संयम नहीं रख पाते हैं, हम उस टाइम पर एकाग्रता नहीं रख पाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत निश्चित रूप से हमें जीवन में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसे कई बार अगर उदाहरण देखे जाएं, भगवान कृष्ण के जीवन में देखे जाएं, तो ऐसे कई बार उदाहरण उत्पन्न हुए हैं। पूतना भगवान कृष्ण को मारने के लिए आती है, अपने अस्तन में जहर लगा करके आती है, भगवान कृष्ण वहां पर संयम का परिचय देते हैं और बच जाते हैं, उसका वध हो जाता है। महाभारत युद्ध के समय ऐसे कई प्रसंग आते हैं जब भगवान कृष्ण को बहुत संयम का परिचय देना रहा, बहुत एकाग्रता का परिचय देना हुआ। तो यदि जीवन में एकाग्रता और संयम बरकरार रहे, तो बड़ी से बड़ी विपत्ति बहुत आसानी से दूर हो सकती है। लेकिन अगर एकाग्रता और संयम आपके जीवन में नहीं है, तो शायद छोटी से छोटी विपत्ति भी बड़ी बन सकती है। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, फिर एक नए कार्यक्रम के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। जय श्री राम।